हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि मल्टीपल रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला नोटिफिकेशन वो अवंती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का, यहाँ पे जो है प्रिंसिपल की वैकेंसी चाहिए डिग्री कॉलेज पीजी कॉलेज इंजीनियरिंग फार्मेसी। तो यहाँ पे जो इन्होंने मेंशन कर रखा है वो डिग्री पीकॉम ऑल अकाउंटिंग सब्जेक्ट कॉमर्स पीएचडी 15 ईयर एक्सपीरियंस बीएससी कंप्यूटर साइंस। वहीं पीजी में देखिए इन्होंने चाहिए एमएससी माइक्रोबायोलॉजी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री एमबीए पीएचडी 15 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये सब जो है इन्होंने जो सब्जेक्ट भी मेंशन कर रखे हैं सारे साथ जो है इन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वही मेंशन कर रखा है। अगर आपने पीएचडी 15 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप जो है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब फैकल्टी में इन्हें चाहिए इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस ईसी और फार्मेसी में जो है इन्हें चाहिए फार्मास्यूटिक्स फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एनालिसिस। ठीक है, इसके साथ ही इन्होंने जो है यहाँ पे देखिए एडमिन और साथ ही सीनियर और जूनियर अकाउंटेंट के लिए और पीए के लिए मेल और फीमेल के रेज्यूम के लिए रेज्यूम भी मांगे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इनमें से किसी भी वैकेंसी के लिए तो आप जो है अपना रेज्यूम भेज सकते हैं अलॉन्ग विद कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट एंड विद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और आधार कार्ड या पैन कार्ड टू avanti2021@gmail.com। और जो लास्ट डेट इन्होंने मेंशन कर रखी वो 20 अक्टूबर 2020 कर रखी। अगर आपको कोई और भी क्यूरी चाहिए तो यहाँ पे इन्होंने फोन नंबर भी मेंशन कर रखा है, आप इस पे जाके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं दूसरा वीडियो दूसरा नोटिफिकेशन। तो दूसरा नोटिफिकेशन है अपोलो आर्ट एंड साइंस कॉलेज से। ठीक है, तो इसमें देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर की वैकेंसी को निकाला गया है। सब्जेक्ट भी इन्होंने मेंशन कर रखे हैं फिजिक्स साइकोलॉजी क्रिमिनोलॉजी इंग्लिश पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैथमेटिक्स तमिल पॉलिटिकल साइंस माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ पे इन्होंने मांगा है कि आप या पीजी डिग्री होनी चाहिए इसमें, अगर आपने नेट या स्लेट है या पीएचडी है तो आप जो है यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसी साथ ही साथ अगर आप जो है फ्रेश हैं या आपके पास एक्सपीरियंस है दोनों लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही इन्होंने मेंशन किया आपको यहाँ पे एक्सलेंट सैलरी मिलेगी। तो आई थिंक मे बी सैलरी आपको एक्सलेंट तब मिलेगी आपकी क्वालिफिकेशन हाई होगी। जैसे अगर आपने पीएचडी किया है और आपको एक्सपीरियंस भी है तो आपको वो सैलरी जो है वो अच्छी देंगे। और यदि आपके पास जो है एमएससी है या पीजी डिग्री है और आपने नेट क्वालिफाई किया है एक्सलेंट क्वालिफाई किया है तब भी आपको सैलरी जो है बेहतर मिलेगी। अगर आप सिर्फ नॉर्मली पीजी किया है आपने पीजी डिग्री आपके पास है तो मे बी जो सैलरी है वो थोड़ा कम मिले। तो देखिए इन्होंने क्या बोला है कि पीएफ एंड फ्री बस भी मिलेगी आपको। और साथ ही साथ ये तो इन्होंने वॉक इन का जो टाइम है वो भी मेंशन कर रखा है, डेट भी मेंशन कर रखी 12, 13 और 14 अक्टूबर को 9 AM to 6 PM। ठीक है, तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वोटिंग नोटिफिकेशन वो श्री गायत्री जूनियर एंड डिग्री कॉलेज के लिए। यहाँ पे देखिए इन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जूलॉजी बॉटनी इंग्लिश कॉमर्स कंप्यूटर साइंस और जो क्वालिफिकेशन है वो भी यहाँ मेंशन कर रखी है। एमएससी आपका होना चाहिए पार्टिकुलर सब्जेक्ट में और जो रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे यानी कि जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो भी मेंशन की जा रखी है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है जो प्रेफरेंस है वो विल बी गिवन टू द एक्सपीरियंस कैंडिडेट जिन्हें टीचिंग का एक्सपीरियंस उन्हें प्रेफरेंस मिलेगा। और जो आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए टीचिंग में जी नीट एंड ईएमसेट इन मैंडेटरी एट्रैक्टिव सैलरी विल बी गिवन टू द डिजर्विंग कैंडिडेट। तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना बिफोर 16 अक्टूबर और जो सॉफ्ट कॉपी अपनी सर्टिफिकेट की जैसे फोटोग्राफ एक्सपेक्टेड सैलरी कॉन्टेक्ट डिटेल ये आपको सेंड करना है प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज थ्रू ईमेल प्रोवाइडेड बिलो। तो ये क्या है श्री गायत्री एजुकेशन सोसाइटी है। ठीक है, तो इनके में ही आपको जो है ये डिफरेंट डिफरेंट जो है टीचिंग के लिए पोजिशन को मांगा गया है। तो अगर आप इनमें से इंटरेस्टेड हैं तो आपको यहाँ पे जो है अपना जो सीवी और जो अपनी कॉपी से सर्टिफिकेट वो आपको सेंड करना पड़ेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं एक और नोटिफिकेशन जो कि निकला है किंगस्टन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में जैसे किंगस्टन लॉ कॉलेज में किंगस्टन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में किंगस्टन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस में किंगस्टन पॉलिटेक्निक कॉलेज में और किंगस्टन कॉलेज ऑफ साइंस में तो सब जगह जो है उन्होंने प्रिंसिपल लेक्चरर असिस्टेंट लेक्चरर के लिए जो पोजिशन है उसे निकाला गया है। ठीक है, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल बात है किंगस्टन कॉलेज ऑफ साइंस में तो यहाँ पे प्रिंसिपल की लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर एचओडी माइक्रोबायोलॉजी जूलॉजी फूड एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट तो इनकी जो वैकेंसी वो निकाली गई है। तो अगर आप जो है एक्सपीरियंस अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्टली प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं या और अगर आपके पास जो है पीजी डिग्री है और जो नेट है तो आप डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं या अगर आपका पीएचडी है और जो है 5 to 10 years का एक्सपीरियंस है तो आप एचओडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इन्होंने मेंशन किया है फॉर प्रिंसिपल एचओडी मिनिमम 10 years फॉर
प्रिंसिपल और लेक्चरर, ठीक है, फॉर प्रोफेसर एंड लेक्चरर 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट लेक्चरर के लिए मिनिमम 7 ईयर का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्वालिफिकेशन एज बाई यूनिवर्सिटी नॉर्म्स, ठीक है। तो ये सारे जो है यहाँ पे बहुत सी वैकेंसी निकाली, आप जो है देख सकते हैं कि आप कौन सी वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको कोई और भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।